भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मंडी शाखा हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि महोत्सव के दौरान स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता करवाने जा रही है। ये प्रतियोगिता 18 फरवरी को पड्डल मैदान में आयोजित होगी, जिसके पंजीकरण का समय 12 फरवरी तक है। स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए रेडक्रॉस मंडी के सेक्रेटरी ओपी भाटिया ने बताया कि रेडक्रॉस मंडी द्वारा यह प्रतियोगिता 18 फरवरी को पड्डल मैदान में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में 1 से 3 वर्ष के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पंजीकरण के लिए 12 फरवरी से पहले आवेदन किया जा सकता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा जो जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अस्पताल कल्याण अनुभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर 18 फरवरी 2018 को पड्डल ग्राउंड मंडी में स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष व 3 वर्ष तक के जो प्रतिभागी होंगे वो भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में पंजीकरण हेतु 100 रूपये पंजीकरण शुल्क सहित किसी भी कार्यालय दिवस में 12 फरवरी से पहले जिला रेडक्रॉस सोसाइटी मंडी के कार्यालय में पंजीकरण करवा सकते हैं, ताकि वो बच्चे देवी शो में भाग ले सके। वहीं ओपी भाटिया ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के समय बच्चों के कार्ड के साथ बर्थ सर्टिफिकेट अवश्य लाएं, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही बच्चों का विभाजन किया जाएगा। मेरा आम जनता से यही निवेदन है कि इस प्रकार की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। वह बच्चों के पंजीकरण के समय बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है उसको साथ लाएं और बर्थ सर्टिफिकेट साथ लाएं, ताकि उसी के आधार पर बच्चों का जो है ग्रुपों में विभाजन किया जा सके। तो मेरा दानी सज्जनों से भी अपील रहेगी कि यदि कोई इस प्रकार के बच्चों के लिए विशेष रूप से कोई पुरस्कार या कोई ऐसी सामग्री उपलब्ध कराना चाहे तो उनका भी स्वागत है। वो किसी भी कार्य दिवस में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी मंडी में उपलब्ध करा सकते हैं। आपको बता दें कि रेडक्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा इस प्रकार की प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जाती है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। मंडी से कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।